इस वीडियो में आज हम अल्फोंस डॉडेट द्वारा लिखी गई एक स्टोरी द लास्ट लेसन देखेंगे। 12th क्लास की नॉवल फर्स्ट फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट भी है द लास्ट लेसन। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके ऑथर, मेन कैरेक्टर्स और थीम के बारे में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ सम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स भी हम देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्फोंस डॉडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और स्टोरी राइटर थे। इनका जन्म निम्स में हुआ था जो कि फ्रांस में है। 1840 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत ही शानदार नॉवेल्स और स्टोरीज लिखी। द लास्ट लेसन भी उनमें से एक है। द लास्ट लेसन इनके अपने देश फ्रांस के प्रति देशभक्ति को भी बताती है। द लास्ट लेसन एक कहानी है जिसमें अल्फोंस डॉडेट ने 1870-71 के दौरान हुई फ्रांको पोर्शियन वॉर में फ्रांस की हार के बाद फ्रांस के दो शहर एल्सिस और लॉरेन के पर्शियंस के हाथों में चले जाने के बाद उनके द्वारा थोपे गए नए नियम जिसमें अब से स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली फ्रेंच भाषा पर रोक लगा देना और उसकी जगह जर्मन भाषा लागू कर देना भी शामिल है। उन दिनों प्रशिया में आज का जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया भी था। इस कहानी में दो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और सबसे पहला कैरेक्टर है फ्रेंच का। फ्रेंच जो कि एल्सिस में रहता है और वह एक स्कूल में पढ़ता है। वह पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है। अपना होमवर्क भी वो समय पर पूरा नहीं करता। अपने टीचर मिस्टर हैमिल से वह बहुत डरता है क्योंकि मिस्टर हैमिल के हाथों में हमेशा क्लास में एक रूलर, एक स्केल रहता है जिससे उसे डर लगता है। जब उसे पता लगता है कि अब से स्कूल में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और क्योंकि जर्मनी ने एल्सिस और लॉरेन में सभी स्कूलों में फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाने का ऐलान किया है और उसके टीचर मिस्टर हैमल को भी एल्सिस से जाना होगा, तब उसे बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी भाषा फ्रेंच जो कि अब से नहीं पढ़ाई जाएगी और अपनी भाषा फ्रेंच को ना पढ़ा पाने का दुख भी होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने पढ़ाई सही से नहीं की और उसे अब अपनी मातृभाषा फ्रेंच की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। और उसके टीचर मिस्टर हैमिल के द्वारा कही गई बात कि फ्रेंच दुनिया की सबसे शानदार भाषा है से वो भी सहमत होता है। और मिस्टर हैमिल के आज के लास्ट लेसन को बड़े अटेंशन के साथ सुनता है। फ्रेंच इसका दूसरा कैरेक्टर है स्टोरी का, मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल फ्रेंच भाषा के टीचर हैं। वे हमेशा क्लास में अपने हाथों में एक स्केल रखते थे। मिस्टर हैमल एक हार्ड टास्क मास्टर और डिसिप्लिन पसंद टीचर थे। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि बर्लिन से आए एक ऑर्डर के बारे में कि अब से फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वह अपने स्टूडेंट से पोलाइटली बात करते हैं और अपना लेसन, लास्ट लेसन पोलाइटली देते हैं और फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे शानदार भाषा बताते हैं। मिस्टर हैमल पिछले 40 सालों से एल्सिस की इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसी सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनको गांव के सभी लोग उनका आदर करते हैं। द लास्ट लेसन की थीम क्या है? द लास्ट लेसन रिलेट करती है भाषा और कल्चर को। किस तरीके से इंपीरियल और कॉलोनियल पावर अपनी हेजोमनी थोपते हैं और शासकों का दुनिया पर रूल करने की इच्छा और कल्चर्स को चेंज करने की लालसा और इसी के साथ ही साथ आइडेंटिटीज को इन्फ्लुएंस करना और अपनी भाषा को ना सीखने का दुख और भाषा की इंपॉर्टेंस का पता लगना, ये इस पूरी स्टोरी की थीम है। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच उस दिन सुबह स्कूल के लिए लेट हो गया था और उसे स्कूल में देर से पहुंचने पर डर भी लग रहा था। और हाँ, उसके टीचर मिस्टर हैमल ने कहा था कि वो आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले हैं और उसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। फ्रेंच को तो पार्टिसिपल्स के पहला वर्ड तक नहीं आता था। कुछ समय के लिए तो फ्रेंच को लगा क्यों ना आज स्कूल न जाकर बाहर खुली हवा में घूमा जाए। मौसम भी आज सुहावना था, पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे। खुले मैदान में थोड़ी दूर प्रशियन सैनिक अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे।
यह सब वैसे काफी सुहावना लग रहा था। पार्टिसिपल्स के रूल से तो अच्छा ही था, जिसका कि आज फ्रेंच की क्लास में टेस्ट होने वाला था। हालांकि इन सब के बावजूद फ्रेंच ने हिम्मत की और अपनी स्कूल की तरफ तेजी से बढ़ा। जब फ्रेंच टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि काफी लोग वहां लगे बुलेटिन बोर्ड के सामने जमा थे। पिछले 2 सालों से इस बुलेटिन बोर्ड से सारी बुरी खबरें ही पता लग रही थी, जैसे कि युद्ध में फ्रांस का हार जाना, नए कानून, नए कमांडिंग ऑफिसर्स द्वारा लागू किए गए नए नियम। फ्रेंच ने सोचा अब क्या नया मैटर हो सकता है। तभी फ्रेंच बड़ी तेजी से अपनी स्कूल की ओर बढ़ा, क्योंकि वो पहले से स्कूल के लिए लेट हो रहा था। तभी वहां मौजूद ब्लैकस्मिथ विचर, जो अपने सहयोगी के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, विचर उसने फ्रेंच को पुकारा और कहा, इतनी तेजी से मत जाओ, तुम अपने स्कूल में समय पर पहुंच जाओगे। फ्रेंच को लगा शायद विचर उसका मजाक उड़ा रहे थे, और भागते हुए फ्रेंच अपनी स्कूल के पास मौजूद गार्डन में आ गया। हमेशा तो जब वे स्कूल खुलने के बाद पहुंचता था तो वहां बहुत तेज शोर शराबा होता था, जो पास की गली तक सुनाई देता था। बच्चों द्वारा जोर जोर से की गई आवाज और अपने पाठ दोहराना, स्कूल डेस्क की आवाज, एक साथ पाठ दोहराने की आवाज, इतनी तेज कि कई बार कान पर हाथ रखने पड़ते थे। लेकिन अभी तो सब चुप सा लग रहा था। उस दिन तो रविवार की सुबह होने वाली शांति जैसी चुप्पी थी। खिड़की से फ्रेंच ने देखा कि उसके सारे दोस्त क्लास में अपनी जगह बैठे थे और मिस्टर हेमल क्लास में घूम रहे थे, और उनके हाथों में स्केल भी था जो कि वो क्लास में अपने हाथ में रखते थे। फ्रेंच को सबके सामने से जाते हुए अपनी सीट पर जाना था। फ्रेंच के लिए यह एक बड़ा टास्क था। वह घबराहट से लाल पड़ गया और डरा हुआ था, कहीं मिस्टर हेमल उसे डांटेंगे तो नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल ने उसे देखा और बड़े प्यार से कहा, अपने स्थान पर बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रेंच जल्दी से अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसने तो घबराहट में यह भी नहीं देखा था कि मिस्टर हेमल ने आज उनका सुंदर ग्रीन कोट और फ्रिल शर्ट पहना है और उनकी ब्लैक सिल्क कैप। वह यह तो किसी इंस्पेक्शन या प्राइज फंक्शन में पहनते थे। आज पूरी स्कूल कुछ अलग लग रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने फ्रेंच का ध्यान अपनी ओर खींचा वह था कि पिछली बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी वहां आज बड़ी शांति से गांव के लोग बैठे थे और सभी दुखी लग रहे थे। जब फ्रेंच इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था तो मिस्टर हेमल बड़े प्यार और सौम्यता से उसी सौम्य तरीके और सौम्य टोन से जैसे उन्होंने फ्रेंच से बात की थी बोले, मेरे प्यारे बच्चों, यह तुम्हारा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सिस और लॉरेन के सभी स्कूलों में अब से फ्रेंच की जगह केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तुम्हारे नए मास्टर कल आ जाएंगे। यह तुम्हारा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। मैं चाहता हूं कि तुम उसे बहुत ध्यान से पढ़ो। फ्रेंच के लिए यह शब्द आश्चर्यचकित करने वाले थे, एक थंडर क्लैप के समान। ओह, बड़े दुख के साथ फ्रेंच ने सोचा, यह ऑर्डर था जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में लगा था शायद। मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन क्यों? मुझे तो अभी तक ठीक से लिखना तक नहीं आता। मैं अब से फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फ्रेंच ने सोचा,
कि लास्ट लेसन ये जो वो आज पढ़ रहा है और वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाया, उसे पछतावा हुआ इस बात का। फ्रेंच को लगने लगा कि उसने क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं की और पढ़ने के बजाय गैर वाजिब काम किए। फ्रेंच को उसकी सारी किताबें जो अभी तक उसे काफी हल्की लग रही थी काफी भारी लगने लगी। और कैसे वो अपनी ग्रामर और फ्रेंच इतिहास को पढ़ेगा आपसे, यह वो सोचने लगा। मुझे तो कुछ भी नहीं आता और मिस्टर हैमल भी तो अब चले जाएंगे, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इस विचार ने मिस्टर हैमल के रूलर, उनके स्केल और उनकी पढ़ने वाली डांट को भी भुला दिया। और लास्ट लेसन जो कि मिस्टर हैमल अपने पसंदीदा संडे क्लोथ्स में दे रहे थे, अब फ्रेंच को सब समझ आ गया क्यों गांव के लोग पीछे क्लास में बैठे थे। ये सब दुखी थे टीचर के जाने पर और ये उनका तरीका था मास्टर को धन्यवाद कहने का। मिस्टर हैमिल के 40 साल की सर्विस के प्रति आदर प्रकट करने का, अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का, जो कि अब से उनको अपने देश से ही निकाल दिया जाएगा। जब वह इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था तभी उसने अपना नाम सुना। अब फ्रेंच की बारी थी बोलने की, उसे पार्टिसिपल्स के रूल्स बताने थे और बिना किसी गलती के, लेकिन वह तो शुरू के कुछ शब्दों में ही अटक गया और खड़ा रहा अपनी डेस्क पर। उसकी हार्ट बीट तेजी से धड़क रही थी, वह ऊपर नहीं देख पा रहा था। उसने सुना मिस्टर हैमिल ने कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच तुम्हें खुद गलती महसूस करनी होगी। देखो हम हमेशा कहते हैं हमारे पास बहुत समय है, मैं इसे कल पढ़ लूंगा। अब देखो हम कहां आ गए, हम कल पर बातें टालते हैं। तुम अपने आप को फ्रेंच कहते हो लेकिन अपनी खुद की भाषा भी नहीं बोल पाते ना लिख सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं ओ लिटिल फ्रेंच। हम सब के पास अपनी आलोचना करने के कारण हैं, हम सब इसमें जिम्मेदार हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें अपने फार्म और मिल पे काम पर लगाए रखा जिससे कि थोड़ी आमदनी और ज्यादा हो जाए। मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूं, क्या मैं तुम्हें कभी गार्डन में के फलों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था? जब मैं फिशिंग के लिए जाता था क्या मैं तुम लोगों की छुट्टी नहीं कर देता था? मिस्टर हैमिल कई चीजें बताते हुए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलने लगे कि फ्रेंच दुनिया की सबसे प्यारी भाषा है, सबसे साफ, सबसे लॉजिकल, हम सबको इसे अपने बीच में बनाए रखना होगा, कभी इसे भुलाना नहीं, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, जब तक वे अपनी भाषा को पकड़ कर रखते हैं तो उनके पास यह भाषा एक चाबी के समान है, मतलब वे अपनी गुलामी से अपनी भाषा के जरिए आजादी पा सकते हैं। तभी उन्होंने ग्रामर बुक खोली और हमें हमारा लेसन पढ़ाने लगे। मैं खुद आश्चर्यचकित था यह देखकर कि आज मुझे सब समझ में आ रहा था, सब कुछ जो मिस्टर हैमिल बोल रहे थे वह बहुत आसान लग रहा था। मुझे लगा शायद इतनी ध्यान से मैंने पहले कभी सुना नहीं, इसलिए या शायद इतने धैर्य से उन्होंने पहले कभी समझाया नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर हैमिल जाने से पहले हम सबको सब कुछ बताना चाहते थे जो वो जानते थे। ग्रामर के बाद राइटिंग में हमारा लेसन था। उस दिन मिस्टर हैमिल हमारे लिए नई कॉपियां लाए थे जिन पर सुंदर लिखावट में फ्रांस एल्सिस लिखा था। हर कोई अपने काम में बिजी था, बहुत ही शांति थी, केवल
पेपर्स पर पेंस की स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी। कुछ बीटल्स क्लास रूम में आ गई लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। छत पर कबूतरों के बुटरगू करने की आवाज आ रही थी। फ्रेंच को लगा, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गुवाएंगे? क्या कबूतर भी? जब भी अपनी राइटिंग से ऊपर देखता है मिस्टर हैमल बिना किसी भाव के क्लासरूम की एक चीज से दूसरी चीज देख रहे थे। पिछले 40 सालों से वह जहां पढ़ा रहे थे एक ही जगह उनका बगीचा स्कूल रूम की खिड़की से बाहर और उनकी क्लास उनके सामने वॉलनट ट्रीज गार्डन में और उनके द्वारा लगाया गया हॉपविन प्लांट जो कि बहुत बड़ा हो गया था। यह सब छोड़ के जाना होगा। कितने दुखी होंगे मिस्टर हैंगल कि उनको अगले दिन देश छोड़ के जाना होगा। ड्रिल से लौटे पर्सन्स जर्मन की ट्रम्पट्स उनकी तुरही की आवाजें क्लास की खिड़की से जोर जोर से आने लगी। मिस्टर हैमिल खड़े हुए और दुख उनके चेहरे पर दिखने लगा था। वे कुछ बोलना चाहते थे, मुड़े और बोले, माय फ्रेंड्स मैं, लेकिन किसी चीज ने उन्हें रोक लिया और वे बोल नहीं पाए। मिस्टर हैमिल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने चौक उठाई, उन्होंने बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। अपने सिर को दीवार की तरफ उठाए हुए अपने हाथों से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ये थी स्टोरी द लास्ट लेसन। बहुत ही शानदार स्टोरी है द लास्ट लेसन। अब देखते हैं इसके कुछ कीवर्ड्स जो इस स्टोरी में यूज किए गए हैं, सम सर्टन कीवर्ड्स। पहला है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। दूसरा कीवर्ड यूज किया गया है ब्लश। ब्लश का मतलब होता है साइनेस, थोड़ा शर्मा जाना, एम्बरेसमेंट, लाल पड़ जाना, शर्म से लाल हो जाना, ब्लश का मतलब। तीसरा कीवर्ड है फ्रिल। फ्रिल जो है वो होता है एक स्ट्रिप गैदर्ड और प्लेटेड मटेरियल सीन ऑन टू ए गार्मेंट, किसी गारमेंट पे, शर्ट पे स्ट्रिप लगी होना, झालर रूप से स्ट्रिप लगी होना, एम्ब्रॉयड होना, उसको फ्रिल कहा जाता है। एक वर्ब है क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड या इरिटेबल। अगला वर्ड है रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है दोहराना, रिपीट अलाउड और डिक्लेम अ पोयम या पैसेज। जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, हाथों से इशारे करना या अपने हाव भाव। अगला वर्ड है सॉमिल। सॉमिल जो होता है ये आरा काटने की जो मशीन होती है, वो जो जिस फैक्ट्री में आरा काटने की मशीन में जो टिम्बर होते हैं बड़े बड़े लट्ठे, उनको लॉग्स को काटा जाता है, सॉमिल कहते हैं उसको। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। क्या फ्रेंड्स को टेम्प्ट कर रहा था स्कूल से ना जाने के लिए? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड ए थंडर क्लैप बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के लिए बर्लिन का ऑर्डर एक थंडर क्लैप के समान क्यों था? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द नरेटर फाइंड इन द स्कूल व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम। नरेटर फ्रेंड्स को जब बर्लिन से आए हुए ऑर्डर के बारे में पता लगा तो क्या चेंजेस आए, मेंटलिटी में क्या क्या चेंजेस आए। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। कि अचानक से ही जब उनको पता लगता है कि अब से फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी
तो लोगों को अपनी भाषा के प्रति इंपॉर्टेंस, उनकी अपनी भाषा की इंपॉर्टेंस पता लगती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अचानक क्यों हुआ, क्यों नहीं ये सब अचानक लगा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। थैंक यू अपनी सपोर्ट के लिए। और हाँ, एनसीईआरटी वी यूपीएससी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और एनसीईआरटी वी यूपीएससी के बारे में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू।